हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर वन। टुडे टॉपिक इज मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग और लिक्विडिफिकेशन। अगेन वी एक्सप्लेन, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टार्ट हो जाए चेंज, किसमें? लिक्विड में। सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा। मेल्ट का मतलब ही होता है पिघलना। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। एग्जाम्पल बात करते हैं हम। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा आइस जो होता है, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। बात करते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस को जो हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो किसमें चेंज होने लगता है? वाटर में। लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड वेपर बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग प्रेशर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। क्या कहलाता है हमारा? वेपराइजेशन की बात करते हैं हम। वेपराइजेशन कहलाता है द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस, जो लिक्विड सब्सटेंस है चेंज होने लगे किसमें? हमारा गैस में। हमारा कॉल्ड कहलाता है हमारा वेपराइजेशन। द प्रोसेस इन विच आ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इन टू अ गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वाटर चेंज इन टू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वेन वी गिव द टेम्परेचर टू वाटर 100 डिग्री सेल्सियस देन वाटर चेंज इन टू वेपर। वाटर किस में चेंज होने लगता है? वेपर में चेंज होने लगता है। अब बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ऐसा टेम्परेचर जिसपे वाटर क्या होने लगे? लिक्विड क्या होने लगे? बॉयल होने लगे इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस।